गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास वन इंग्लिश बुक का चैप्टर नंबर 9 द ड्रैगन हु कुड नॉट ब्रीथ फायर का क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। देखो, हम लोग प्रीवियस क्लास में ये पेज नंबर 63 का नंबर ए और नंबर बी डिस्कस किए थे। आज हम लोग राइटिंग स्किल का ये हुईस के बारे में पढ़ेंगे और ड्रैगन के बारे में पढ़ेंगे। हुईस और ड्रैगन डिस्कस करेंगे। देखो, ये है काइंड हुईच, ये बहुत दयालु थे, ठीक है ना। ये इनका नाम था हुईच। यहाँ पे लिखेंगे हम लोग डिस्क्राइब द क्वालिटीज ऑफ बिहेवियर ऑफ द कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी गिवन बिलो 5-6 लाइन। ये स्टोरी में इनका कैरेक्टर क्या था उनके बारे में हम लोग लिखेंगे 5 लाइन। देखो, 1 लाइन में पहले हम लोग क्या लिखेंगे, द हुईस वाज काइंड, सी वाज हेल्पिंग इन नेचर एंड केयरिंग पर्सन। ये हुईस जो थे वो बहुत दयालु थे और ही वॉज हेल्पिंग एंड नेचर केयरिंग पर्सन, ये सबके हेल्प करते थे और सबके केयर करते थे। नंबर 3 में लिखेंगे सी ऑल्सो लव्स हर कैट्स वेरी मच। इनके 3 कैट्स थे, कौन कौन थे इनके 3 कैट्स थे, तो ये उनके 3 कैट्स को बहुत लव करते थे, बहुत प्यार करते थे। देन नंबर फोर में लिखेंगे सी वॉज नॉट सेल्फिश एंड वॉज ऑलवेज रेडी टू हेल्प द ड्रैगन। वो सेल्फिश नहीं होते हैं और वो ड्रैगन को हेल्प करने के लिए रेडी हो गए थे विदाउट सेल्फिश, ठीक है। देन नंबर 5, बीइंग ए हुईस सी वॉज नॉट इविल एंड हेल्प अदर फॉर गुड, ठीक है। देन ये पिक्चर में क्या है, ड्रैगन, यहाँ पे जो पिक्चर है उनके बारे में हम लोग लिखने हैं। ये ड्रैगन है कि नहीं, ये ड्रैगन में हम लोग क्या क्या लिखेंगे, ड्रैगन वॉज वेरी वीक एंड सॉफ्ट हार्टेड, ही वॉज ब्रोकन हार्टेड एंड लेस कॉन्फिडेंट। नंबर 1 में क्या लिखेंगे, ड्रैगन वॉज वेरी वीक एंड सॉफ्ट हार्टेड, ही वॉज ब्रोकन हार्टेड एंड लेस कॉन्फिडेंट। नंबर 3 में लिखेंगे ही वॉज ऑनेस्ट एंड गुड, वो सच्चा था और अच्छा भी था। नंबर 4, ही थैंक्स हुईस फॉर हर हेल्प, उसने हुईस को थैंक्स बोला था क्योंकि हुईस ने उनकी ड्रैगन की मदद की थी इसीलिए। तो नंबर 5, ही वॉज डिफरेंट फ्रॉम अदर, वो ये ड्रैगन डिफरेंट अदर ड्रैगन में से डिफरेंट था क्योंकि अदर ड्रैगन्स के मुंह से फायर निकलता था और इसके मुंह से गुड स्मेल्स निकलता था। यहाँ पे लिखेंगे नंबर 5 में ही वॉज डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, ठीक है। ये काइंड हुईच और ये ड्रैगन, ये दोनों आज का आपका होमवर्क है। ये दोनों अपने अपने बुक में लिख के मुझे दिखाना गुड हैंड राइटिंग में, ठीक है। हाँ, और घर में थोड़ा रीडिंग भी करना, बुक रीडिंग। थैंक यू।